जय हिंद इन दिस लेक्चर वी विल कन्वर्ट टी फ्लॉप टू जेके फ्लॉप टी को जेके में कन्वर्ट करना है यहां पर जेके इनपुट्स लिखनी है दिस इज ए प्रेजेंट स्टेट ऑफ जेके नेक्स्ट स्टेट ऑफ जेके फ्लॉप दिस इज ए टी इनपुट देयर आर थ्री इनपुट्स इन बाइनरी देयर आर टोटल एट पॉसिबल कॉम्बिनेशन जीरो 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 वन जीरो वन 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 जीरो वन 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 यू कैन ऑब्जर्व अगर जेके में जीरो जीरो अप्लाई करते हैं प्रेजेंट स्टेट जीरो हो सकती है या वन हो सकती है जेके में जीरो वन अप्लाई करते हैं प्रेजेंट स्टेट जीरो वन हो सकती है फॉर वन जीरो प्रेजेंट स्टेट जीरो वन हो सकती है इसी तरह से फॉर वन वन प्रेजेंट स्टेट जीरो और वन हो सकती है नेक्स्ट स्टेट फॉर जेके फ्लिप फ्लॉप दिस इज ए ट्रुथ टेबल फॉर जेके फ्लिप्लोप जेके में जीरो जीरो अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल होती है नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट तो प्रेजेंट स्टेट जीरो है तो नेक्स्ट स्टेट जीरो होगी जेके में जीरो जीरो अप्लाई करते हैं नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के इक्वल होगी प्रेजेंट स्टेट वन है तो नेक्स्ट स्टेट वन मिलेगी जेके में जीरो वन अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट जीरो मिलेगी इसी तरह से जीरो वन अप्लाई करते हैं नेक्स्ट स्टेट जीरो मिलेगी वन जीरो अप्लाई करते हैं नेक्स्ट डेट वन मिलेगी वन जीरो अप्लाई करते हैं नेक्स्ट डेट वन मिलेगी वन वन अप्लाई करते हैं वन वन के केस में टॉगलिंग होगी जो नेक्स्ट स्टेट है वो प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट मिलेगी प्रेजेंट स्टेट जीरो है तो यहां पर वन मिलेगा यहां पर प्रेजेंट स्टेट वन है तो नेक्स्ट स्टेट जीरो मिलेगी एके को हमने टी में कन्वर्ट करना है दिस इज ए प्रेजेंट स्टेट दिस इज ए नेक्स्ट स्टेट यहाँ पर हमें प्रेजेंट स्टेट दी है नेक्स्ट स्टेट हमने डिसाइड कर लिया है हमें ये चाहिए अब टी में प्रेजेंट में कौन से इनपुट अप्लाई करनी है इसको एक्साइटेशन टेबल से देखा जाता है दिस इज एक्साइटेशन टेबल ऑफ टी फ्लिफ्लॉप प्रेजेंट स्टेट जीरो है नेक्स्ट स्टेट जीरो चाहिए तो उस केस में टी में जीरो अप्लाई करेंगे प्रेजेंट स्टेट वन है नेक्स्ट डेट वन चाहिए टी में प्रेजेंट इनपुट जीरो अप्लाई करेंगे प्रेजेंट स्टेट जीरो नेक्स्ट स्टेट जीरो तो टी में प्रेजेंट इनपुट जीरो अप्लाई करेंगे प्रेजेंट स्टेट वन है नेक्स्ट स्टेट जीरो चाहिए तो उस केस में टी में वन अप्लाई करेंगे प्रेजेंट स्टेट जीरो नेक्स्ट स्टेट वन जीरो वन के केस में टी में वन अप्लाई करेंगे प्रेजेंट स्टेट वन नेक्स्ट स्टेट वन टी में जीरो अप्लाई करेंगे प्रेजेंट स्टेट जीरो है नेक्स्ट स्टेट वन चाहिए फॉर जीरो वन टी में

वन वन या फिर वन जीरो हो सकती है दीज आर द डेसिमल इक्विवेलेंट फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग थ्री बाइंडरी इनपुट्स फोर डेसिमल इनपुट्स थ्री फोर सिक्स एंड सेवन वी आर गेटिंग आउटपुट वन अब हम लॉजिक वन के लिए लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनाएंगे ये टू वन आपस में पेयर बनाएंगे इसी तरह से ये टू वन आपस में पेयर बनाएंगे अब ये एक्स्ट्रा पेयर नहीं बना देना है आंसर गलत हो जाएगा सारे के सारे वन हमने इन टू पेयर में कंसीडर कर लिए हैं इस पेयर के लिए आंसर लिखेंगे वन वन कांस्टेंट है डेट इज के क्यू एन फॉर दिस पेयर वन कांस्टेंट है डेट इज जे एंड जीरो जीरो कांस्टेंट है जीरो को लिखेंगे क्यू एन बार दिस इज ए लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर टी टी को जेके में कन्वर्ट करना था हमें टी फ्लिप फ्लॉप दिया था दिस इज ए टी फ्लिप फ्लॉप दिस इज इनपुट एंड दिस इज ए आउटपुट टी को जेके में कन्वर्ट करना था दिस इज ए रिलेशन बिटवीन टी एंड जेके टी इज इक्वल टू जे क्यू एन बार अब क्लास फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को क्यू एंड क्यू बार से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये जो क्यू एन है दिस इज ए प्रेजेंट स्टेट तो एक्चुअल में टी इज इक्वल टू जे क्यू एन बार Q से फीडबैक लेंगे J इनपुट लेंगे यहां पर लेंगे एंड ऑपरेशन सेम के क्यू एन दिस इज ए के दिस इज ए क्यू एंड गेट में अप्लाई करेंगे बीच में है और ऑपरेशन जिसको फिर टी में अप्लाई करेंगे अब ये जो ओवरऑल सर्किट है दिस विल एक्ट एज ए जेके फ्लिप फ्लॉप बी हैव T टी flop टी को हमने जेके में कन्वर्ट करना था दिस इज ए ट्रूथ टेबल ऑफ जेके These are आर द प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट फॉर जेके flop. हमारे पास टी flop दिया है अब टी में कौन सी प्रेजेंट इनपुट अप्लाई करनी है इसको हमने टी flop के एक्साइटेशन टेबल से लिखा और डिफरेंट वैल्यू यहां पर लिखी है दिस इज ए टी flop. अब हमने इसको फोर्स कर दिया है ये जो आउटपुट देगा वो एस आर फ्लिफ्लॉप की देगा और इसके लिए हमने टी का लॉजिकल एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ जेके एंड प्रेजेंट स्टेट लिखा और ये जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है इस लॉजिकल एक्सप्रेशन को हमने इस कॉम्बिनेशनल सर्किट की हेल्प से इंप्लीमेंट किया अब ये जो ओवरऑल सर्किट है विच इज कंसिस्टिंग ऑफ टी फ्लॉप एक्चुअली नाउ इट विल वर्क एज ए जेके फ्लिप फ्लॉप जेके में हम इनपुट सप्लाई करेंगे आगे कॉम्बिनेशनल सर्किट लगा है अब टी में इस तरह से इनपुट अप्लाई होंगी कि ये जब आउटपुट देगा तो वो जेके फ्लॉप की देगा